यार भाई अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप लोगों का बॉय रिप्यूल, बैक एट इट विद अनदर वीडियो। तो आज की गाइस वीडियो के अंदर मैं जो हूं खेलने जा रहा हूं फोर्टनाइट। सबसे पहले तो आप सबको एक हैप्पी ईद मुबारक। सो आज की वीडियो में हम फोर्टनाइट खेलेंगे, चैलेंज करेंगे हम एक द रियलिटी वन रियलिटी सैपलिंग चैलेंज ओनली। तो उम्मीद है कि ये चैलेंज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे और क्या नाम है, हम लोगों को लाइक कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ फोर्टनाइट में। और मैंने अभी रिसेंटली अपने बाइंड्स भी चेंज की हैं, सो इसलिए भी मैं उनके साथ थोड़ा यूज्ड होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि चैलेंज हम कर पाएंगे सक्सेसफुली। दो गेमें खेलेंगे, कोशिश है कि दोनों में से एक गेम हम जीत जाएं। तो खेलेंगे तुम दो ही, अगर पहली गेम जीत गए तो दूसरी गेम भी हम खेलेंगे और आपको दिखाऊंगा मैं कि वो वाली गेम भी हम जीते हैं या नहीं। तो सबसे पहले अच्छा नहीं, मैं अनरेडी क्यों किया, तो जी रेडी हो जाते हैं। और मैं इसलिए काफ़ी अरसे से अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि छुट्टियाँ तो शुरू हो गई थी लेकिन अब दिल नहीं चाह रहा था अपलोड करने का। हमने मेरा और मेरे दोस्त ने एक नया चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है UAM Gamers। उसके अंदर मैं, मेरा दोस्त उमर और मिर्सब जो कि मेरे चैनल पे आता रहा है काफ़ी दफ़ा, तो हमारा हम लोगों ने मिलके कंबाइन करके चैनल बनाया है और नया चैनल है। बस हमने दो तीन मोन्टाज चढ़ाई हैं उसके अंदर, एक उमर दो उमर की हैं, एक मेरी है और उमर की है। सो यस, सो गाइस मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ जब हम लोग गेम के अंदर पहुँच जाएंगे। तो गाइस ऐसे वैसे मैं गेम में आ चुका हूँ और हमारा जो रियलिटी सैपलिंग है वो इधर प्लेस हुआ है, तो अभी हम उधर जाएंगे उसको खोलेंगे एंड सिर्फ हम अपने रियलिटी सैपलिंग का ही लूट यूज़ कर सकते हैं और कोई लूट हम नहीं यूज़ कर सकते। तो कोशिश करेंगे कि कोई चैलेंजेस भी हम कर लें, थोड़े बहुत हार्ड हो गए वैसे थोड़ा सा चैलेंज लेकिन नहीं करेंगे। मेरे पास एक लेजेंडरी लगा हुआ है और अगली गेम में मिथिक होगा, तो ये बहुत अच्छी बात लगी है मुझे कि अगली गेम में अगर मिथिक होगा मेरा तो छलांग मार देते हैं बैटल बस में से और चलते हैं अपने सैपलिंग की तरफ। सैपलिंग के पास आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो ये मेरा सैपलिंग लगा हुआ है यहाँ पे, तो सिर्फ इसी को हम खोल सकते हैं, वो वाला हम नहीं खोल सकते क्योंकि चैलेंज जो है, बल्कि लूट ही नहीं लगा हुआ है इस पे, तो मुझे दिखा रहे एक लगा हुआ है, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई भाई, इस पे तो लूट ही नहीं लगा हुआ। तो मेरे ख्याल से मुझे उस रियलिटी सैपलिंग पे जाना पड़ेगा उस बंदे के, उम्मीद तो यही है कि उस पे कोई लूट लगा हुआ हो। इस पे भी नहीं लगा हुआ, अरे भैया इस पे भी नहीं लगा हुआ यार, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। हमें मेरे रियलिटी सैपलिंग पे भी लूट नहीं लगा हुआ, इसके उस पर भी नहीं लगा हुआ, अब क्या होगा भाई, लूट लगा हुआ ही नहीं है, अब लूट के बगैर हम क्या करेंगे। मेरे उसमें मिथिक लगा हुआ है लेकिन अभी वो मैं इस गेम में खोल नहीं सकता, मेरे ख्याल से किसी और बंदे का लूट वो करना पड़ेगा हमें। चेस्ट चेस्ट खोल लेते हैं, एमओ वगैरह उठा लेते हैं। मेरी पिंग को क्या हो गया भाई एकदम से, ये क्या हुआ, मेरी पिंग जो है वो आप लोग देखो 300 पे चली गई है एकदम से ही, 85 पिंग से 300 पिंग, भाई ये क्या हुआ, हो जाएगी ठीक, हो जाएगी। तो गाइस एमओ वगैरह उठा लेते हैं हम यहाँ पे, सारी गन्स हमारे पास कोई भी नहीं है और सिर्फ हमारे पास भागने की ही लिए, भागने के लिए ही सिर्फ एक हमारे पास शॉक वेव है। मैट्स फॉर्म कर लेते हैं आप अपने आप को बचाने के लिए,
भाई यार ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे हमें कोई लाइक लूट ही नहीं मिला, रेलवे के स्टेशन सारे खाली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम करेंगे क्या, अगर कोई लूट है ही नहीं अभी मेरे पास, मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, खाली हाथ। बस उम्मीद यही है कि बस कुछ उठा भी नहीं सकता ना, किसी घंटे यूज भी नहीं कर सकता हम। दुआ करता हूँ उस वाले रियलिटी सैपलिंग को कुछ लगा हुआ हो। भागता हूँ उस सैपलिंग की तरफ, उम्मीद करता हूँ उस पर कोई अच्छा सा लूट लगा हुआ हमारे लिए। इस पर भी नहीं लगा हुआ ना कल भाई, यार लूट तो लगा हुआ ही नहीं है। सेवन गाइस मरे हैं, मुझे पूरा शक है। बेचारा बोल जो है ये मेरे पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, वो एक बंदा है सामने खड़ा हुआ। यार भाई कोई तो रियलिटी सेटिंग होगा ना जिसमें लूट हो, कोई तो होगा ना। शुक्र है गाइस हमें मिल चुका है, इसके अंदर 3 रेयर फ्रूट्स लगे हैं, ये तीनों हम खोल लेते हैं। एक AR मिल जाए, DMR, ओके परफेक्ट, बस ठीक हो गया गाइस। तो अगर आप लोगों को याद नहीं, मैंने कहा था कि ए द वन रियलिटी सैपलिंग, यानी कि अगर उसमें 3 फल लगे हुए हुए तो हम वो ही यूज़ करेंगे, 3 यानी 3 फलों को 3 के 3 फल यूज़ करेंगे हम। भाई शुक्र है कि हमें कोई तो लूट मिला, बस हमें हर बंदे से छुपना है। अब देखो उधर फायरिंग हो रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, थोड़ा ऊपर जाता हूँ उस बंदे से। ये रहने के रहा मैं नीचे आ गया, वन शॉट डेड। उस बंदे को गाइस हमने उड़ा दिया अच्छे से, ऐसे को हमने इसके घर भेज दिया। मेरी हेल्थ जो है वो पता नहीं एकदम से, इस बंदे ने मुझे वो एक का भी डैमेज नहीं दिया, एक डैमेज भी नहीं दिया इस बंदे ने। अब मेरे ख्याल से हर बंदे को मैं W की करता हूँ, और उम्मीद है कि सारे के सारे जो होंगे मेरे से रैक होंगे। पहले ज़रा हम देख लेते हैं ये हो ना इधर, हम उठा लेते हैं बस हम एमओ और मैथ से हमें अच्छे खासे मिल चुके हैं। अब आप लोग देखो तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ फ्लोटिंग रिंग्स, चैलेंज है मेरा एक। खड़ा हुआ था अबे यार ऑटो रन पे नहीं लगा यार, ये 2 शॉट शॉटगन मिली ना बहुत ही गंदा काम हुआ। स्ट्राइकर मिल जाती यार, ये ऑटो मिल जाती, इनमें से कोई भी मिल जाती तो अच्छी बात थी। अभी मैं डेड, ओ बच गया, लेट्स गो। थोड़े मैट शैट्स फॉर्म कर लेते हैं, अभी टिल्टेड के अंदर रोटेट हम करेंगे, एक दरख्त तोड़ लेते हैं। नॉन से हम आगे आ गए हैं, तो बस इस बात की है कि कोई बंदा अब आ ना जाए हमें यहाँ पर रैक करने। बिल्कुल ही बिगिनर हूँ, एक फ्रेश प्लेयर हूँ, इतना भी फ्रेश नहीं हूँ।
वैसे उधर कोई पंगे हो रहे हैं, मेरे ख्याल से पहाड़ी से कोई कुछ कर रहा है। हाँ प्रॉबेबली पहाड़ी से ही कुछ कर रहा है कोई। तो हाँ गाइस उस बंदे पे हम स्नीक अप करते हैं। नजर नहीं आ रहा कहीं, डर के तो नहीं भाग गया? ओके 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 ओके, चिल 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 भाईजान। भाई ये क्या बात हुई? गाड़ी फाड़ रहा है। ओके आग में लग, आग लग गई इधर, और वो बंदा मेरे से भागने की कर रहा है। अब भाई भागने की क्यों कर रहा है? वापस आना, इतना लो करके तो मुझे भाग गया। एक और मेरे ख्याल से बंदा नहीं, वो कव्वा है। टिल्टेड में मैं पुश तो नहीं करूँगा डायरेक्ट, बस इतना पता है कि पीछे से जोन आ रहा है जो कि मुझे रेक करेगा। इधर आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, सब हील्स मिल गए, हेल्थ हील्स। ये खा लेते हम जल्दी से एक कोकोनट। जोन आ गया बिल्कुल हमारे पीछे है, देखो तो बिल्कुल हमारे पीछे लगा हुआ जोन, इतनी देर से हमारे पीछे ही आ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बस, अबे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिनिस कैसे पी रहा हूँ है? ये क्या हो गया? आप लोगों ने गाइस देखा मेरी 50 शील्ड थी, पूरी पूरी 50 शील्ड थी, और मैंने एक मिनी पी ली पूरी 50 शील्ड पे, पूरी 50 शील्ड पे एक मिनी पी ली मैंने। नहीं रीप्ले करो यार इसको भाई, कोई इसको तो रीप्ले करूँगा यार, इसको मैं रीप्ले मोड में भी मैं फिर देखूँगा। आप लोग उधर देखो भाई क्या बड़ी वाली बिल्ड फाइट हुई है, मैं ज़रा इनके बिल्ड तोड़ता हूँ नीचे से जाके। पहले इस बंदे को मार दूँ जो इनको थर्ड पार्टी करने की कर रहा है। माय एम इज सो बैड गाइस, आप लोग देखो इतनी कोई बड़ी बिल्ड फाइट हुई है इन लोगों की ये। नीचे से गाइस इनके सारे के सारे बिल्ड्स तोड़ देंगे हम। ये बिस्मिल्लाह करते हैं और ये बिल्ड्स इनके गए। गाइस हमने बंदे को रश कर दिया है, 50 डेड। गाइस अभी हम लोग शायद जोन से मर गए, बल्कि मर गए बहुत लो है हम। इमोशनल डैमेज, मैं इतना लो था और इस बंदे ने रश किया। चले गाइस कोई बात नहीं, पहली गेम आई थिंक ठीक है, वी आर वैलिड। लेकिन अब दूसरी गेम में हमारी आखिरी गेम होगी इंशाल्लाह, इस गेम में हम डब लेंगे ही लेंगे, डब लेके ही छोड़ेंगे। तो आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट गेम गाइस। एक और गेम में आ गए हैं, हमारी आखिरी गेम है ये, और अगर चलें इसमें हमने विन ना ली तो हम एक और कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इंशाल्लाह ये हमारी आखिरी गेम होगी, आखिरी गेम से मुराद यानी कि इंशाल्लाह हम इस गेम में डब ले लेंगे। मेरे पास 99 मैट्स हैं राइट ऑफ द बैट। तो जी मिथिक हमारा लग चुका है और इंशाल्लाह अब आएगा मैं सही मज़ा, क्योंकि वी विल बी ओनली यूजिंग मिथिक हैमर AR, और कोई गन नहीं है हमारे पास। तो
बिस्मिल्लाह करते हैं और एक हैमर एयर के साथ हमें पूरी गेम को डोमिनेट करना होगा। छुप छुप के हम खेलेंगे क्योंकि अब यही कर सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग देखो ओ भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा ये क्या लगे हैं। एक रियलिटी सी टू थ्री नेम लोकेशन। हाँ भाई ले जाऊँगा अभी ले जाऊँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओ भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदे आए हुए हैं भाई, यहाँ पे तो पूरी स्क्वाड आई हुई है। हम अपना रियलिटी सीट जल्दी से कॉल प्लांट कर लेते हैं इधर और निकलते हैं गाइस यहाँ से। ये तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। आई कॉन्ट अफोर्ड टू लूज माई हैमर यार राइट ऑफ द बैट। थोड़ा हील अप कर लेते हैं हम जल्दी से। दो बिग पॉट्स हैं वो पी लेते हैं हम, एक पियेंगे बल्कि। भाई ये क्या हुआ है राइट ऑफ द बैट। अभी तो गेम स्टार्ट हुई है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कितने ज़्यादा बंदे आए हैं। वो मैट्स ही नहीं है भाई, मैं फटे क्यों करने जा रहा हूँ। करना तो बनता है ना, फटा तो करना बनेगा। इस बोर को एक शॉट मारेंगे सिर्फ और अब बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ से। इन सबको थर्ड पार्टी करना है मैंने। हम इधर ही छुपे रहेंगे। वो भाई साहब जो है हमारे भाग गए हैं। वो भाई साहब कहाँ पे रह गए भाई। हम हाई ग्राउंड पे हैं और उनको देखें, वो क्या अपने मजे ले रहा है भाई। उसकी तो उसको तो पता ही नहीं, उसको कोई परवाह ही नहीं है अपनी जिंदगी की। वो देखेंगे नीचे फटा हो गया एक। और इधर से कोशिश करती हूँ थर्ड पार्टी करने की इस खड्डे को। एक और भाई क्या हुआ है ये, कोई समझ नहीं आ रही गेम की अभी। 0% समझ अभी इस गेम की मुझे। ओ एक और मुझे, अब मैं भी डेड हूँ गाइस, अब तो मैं भी डेड हूँ। ये रिफ्ट गो करते हैं और निकलते हैं यहाँ से गाइस हम। भाई कोई समझ नहीं है गेम की, कोई समझ ही नहीं है अभी। जहाँ देखो बंदे, जहाँ मर्जी देखो बंदे, कोई थर्ड पार्टी कर रहा है नज़र आ रहा है। अभी मुझे उड़ाने की उनकी भरपूर कोशिश हो जा रही है। पूरी शील्ड उड़ा दी यार, नहीं यार बहुत स्वेटी हुई भी है फोर्टनाइट। ये कोई समझ नहीं। मेरे पीछे एक और बंदा है, मैं इधर बैठ के आराम से हीलिंग कर लेता हूँ उसको। इंशाल्लाह कोई पता नहीं चलेगा, बल्कि उसको शायद पता चल गया है। एमओ चुक लेते। हाँ वो देखो वो मम्मी जी ने विंडशील्ड फाड़ दिया है और वो उधर देखो क्या कर रहा है, रश कर रहा है फुल डब्ल्यू की के मूड में। क्रैक, वन शॉट है गाइस, ये वन शॉट है बंदा, वन शॉट है। तो भी चीज़ करूँ या ना करूँ। 20 एमओ है सिर्फ, हीलिंग ना करना है बैड लगनी है। वो तो नस गया उधर ही, वो तो इधर ही नस गया है ही। मेरे पास सिर्फ हैमर गई तब मैं क्या कर सकता हूँ। और शॉक वेव्स तो उठा सकता हूँ उस, वो नहीं क्या मेरे क्या समझाया, एम्बॉट कर रहा हूँ मैं अभी भी। मेरे ख्याल से वो फड्डे में ही है किसी। मेरे पास मैट्स बिल्कुल भी नहीं है, तो आओ जरा थोड़े बहुत मैट्स ही फॉर्म कर लेते हैं। ये देखो ना भाग रहा है, एमबॉट किया है मैंने उसको फिर से एक और दफ़ा। लेकिन हम एमओ नहीं है गाइज, ये बहुत बड़ा मसला है हमारा, एमओ है ही नहीं हमारे पास, एमओ ढूंढनी पड़ेगी अब। मैं जब जाते हैं हम इस गैस स्टेशन में एमओ ढूंढते हैं थोड़ी सी। एमओ 0 है आपके भाई के पास, अल्लाह करे यहाँ पे नहीं यार एमओ है ही नहीं इधर कहीं। सारी एमओ ले गए, क्या करूँगा। बिग पॉट ही पी रहा था यार, कहीं से अब एमओ का इंतज़ाम हो जाए ना। एमओ 0 है आपके भाई के पास, 0 एमओ।
भाई एआर की एमओ दे मुझे, एसएमजी की नहीं चाहिए, एआर की एमओ की यार के भाई को सख्त जरूरत है अभी। फ्लॉपर उठा लेते हैं ये, हम एआर की एक एमओ भी नहीं छोड़ी, एक एमओ भी नहीं छोड़ी यार की। अब तो आपका भाई पक्का डेड है, कहीं से एमओ मिल जाए यार, अब तो हम पक्का डेड हैं। अट्टू को हाथ में बंदा आया, मैंने उसको अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ। कहाँ पे, ये तो अपनी जगह पे चला गया, बंदे ने मेरी जान छोड़ दी है, शुक्र है दूर चला गया मेरे से। एमओ आपके भाई के पास जीरो थी, अब देखो अब कोई आए, इंशाल्लाह उसको हम रख करेंगे अब इंशाल्लाह। यार एमओ निकाल दें यहाँ से, लग रहा है जो बाहर दरा पे यार एमओ निकलेंगे, लग रहा है जो बाहर दरख्त लगा है उसके अंदर से तीन एआर निकले, इसमें से भी एआर एमओ निकला है, एआर के अंदर से भी नहीं निकली माशाल्लाह। कहीं से भी एआर एमओ निकाल दो, और मैच ही नहीं है हमारा पास। ओ पड़ी 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 तो भाई को वेरी हार्ड वाली पड़ी अभी, इसको भाई हम रश करते हैं अभी, मोजर भाग रहे थे। मार दिया, लेट्स गो गाइस, जिंदा बाद, लेट्स गो, हमने गाइस बंदे को मार दिया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं। पीछे देखो कितना प्यारा उसके पास लूट था, मजे उसके पास, लेजेंडरी स्टिंगर थी यार, पांच छह शॉट्स में बंदे का काम तमाम कर दिया, अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, हील कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आपका भाई आया थोड़े से फोन के अंदर, इतनी टेंशन थी पहले, अबे ये भी आ गया, इसका हम ये पकड़ लेते हैं दोस्त। और अब आओ भाई, अब रश करते हैं सबको इंशाल्लाह, कोई बुरा काम नहीं होगा, ग्रेनेड भी नहीं यूज़ कर सकते हम, हम सिर्फ जंक क्रिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। मैट्स तो 101% हील्स तो सारे, बस सिर्फ गन एक रखी है, गन है, पिकैक्स भी अलाउड है करना, वो उधर मेरे ख्याल से आपके भाई ने कोई बंदा देखा है, लेकिन देख शायद बंदा ही था, देख लेते हैं हम लोग पूरे बंदे को, हमें डब्ल्यू की करना है, नहीं वो शार्क है, बंदा आया हॉग के अंदर, हॉग राइडर में आया, हॉग राइडर बन के आया हमारे पास को इधर, अंदर हॉग राइडर वाले भैया को संभाल लेते हैं, वो सामने आपको लोगों को नजर आ ही रहा होगा। 33 हमने को रश करना बनता है हमारा, तो करें रश, हाँ रश करना चाहिए, बहुत ही बैड सीन है हमारे साथ हो रहा। अबे एक भी नहीं लगी, अबे पीछे से एक और थर्ड पार्टी, भाई तू उसको मार, मुझे क्यों मार रहा है, नीचे वाला बंदा तुझे नजर नहीं आ रहा। 33 एक और भाई, फुल सॉकर स्किन है ये स्वेटी बंदा,
इधर सामने कौन, हमें कौन ना थर्ड पार्टी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ हम आगे जाते हैं इस कमरे पे। अबे ये क्या था, मेरी सारी हेल्थ ले गया। यार तुझे क्या मसला, तू उसको मार ना, मुझे क्यों मार रहा है। ये बंदा पता नहीं है कहाँ पे भाग गया है मुझे मेरे से। और कहाँ मिलता है, मैं भी देखता हूँ तुझे। किधर है, किधर है बंदा जो मेरे से पंगे ले रहा था। ये रहा, अब आया ना ये बंदा मेरे आंखों के सामने। अब इसको हम जाके करेंगे यहाँ से रश। ऊपर जो हमारे बंदा है ओ पड़ी उसको, एक नंबर की आला हेडशॉट्स नहीं पड़ी है। डेड भाई, मेरी कांप पे टांग रही है फुल ऑन। ओ नहीं, मैंने हैवी स्नाइपर उठा ली गलती से। अबे का भाई फुल ही डरा हुआ है अभी। मैक्स एमओ भी, ये तो मैक्स एमओ भी नहीं हुई यार। इधर है ये बंदा, छुपा हुआ है क्या, लगता कुछ ऐसा ही रहा। नहीं ये हाई ग्राउंड पे है बंदा, पक्का हाई ग्राउंड पे। डेड तकरीबन, वो तो जाना चाहिए इसको। वैसे आप लोगों को अभी पता नहीं है मैं कितना डरा हुआ हूँ इधर। तो गाइस अब हम निकलते हैं जोन की तरफ। अबे ऑटो रन क्यों नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता हमारे पास है अभी, इससे काफी हीलिंग है हमारे पास। क्राउन भी आ गया गाइज आप लोगों के भाई के पास, बहुत ही अच्छा सीन हुआ है ये हमारे साथ। लेकिन जो अभी हमने हमारे साथ ये अभी हमने जो पीछे फटा किया ना, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता हमने अच्छा किया। हमें से पंगा ले के हमने गाइज 9 लोग रहते हैं। इंशाल्लाह इस गेम में हमारी फुल ऑन डब है, फुल में हर बंदे को जाके डब्ल्यू की कर रहा हूँ, जो भी नज़र आ रहा है उसको डब्ल्यू की कर रहा हूँ। जोन में हम आ चुके हैं गाइस, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी हीलिंग कर लेते हैं अपनी। ओनली मिथिक हैमर है यार, आए गाइस इनके नीचे से हम ये बिल्ड्स तोड़ देते हैं नीचे जाके। ये इजी हमारे पास 2 किल आ गए हैं। पड़ी लाइट राइट साइड से, राइट साइड से पड़ी गई थी, बहुत बुरी वाली पड़ी है। डेड, एक और बंदा गाइस हमने मार दिया।
एमबॉट नहीं है गाइस, मैं एमबॉट नहीं करता मैं सर में भाई। सारी हमारी जो है वो उस बंदे ने हेल्थ ही उड़ा दी थी। उस बंदे के पास खुद कोई हील्स हैं, मिनीज हैं यार, सारों के पास ही मिनीज हैं, मिनीज तो रखी हैं सारे। इस बंदे को तो अभी मैं नीचे गिराता हूँ, इन बिल्स को अभी नीचे गिरा दिया मैंने। अल्लाह के ऊपर कोई बंदा हो जो नीचे गिर के मरे, ऊपर तो सिर्फ लूट ही लूट था, ये क्या बात हुई। सिर्फ 5 लोग रह गए हमारे गेम के अंदर गाइस। अब ये वाला भी हम लोग उठा लेंगे अंदर सारा। फ्लॉपर उठा लूँगा मैं, और फ्लॉपर ये भी मैं उठा लूँगा। मुझे इतना पता है कि इधर एक बंदा है, था यार इधर ही था एक। फुल मैक्सिमम है हमारे पास लोड आउट, सबसे अच्छा लोड आउट है अभी हमारा। मिथिक हैमर एआर है हमारे पास सिर्फ, और गाइस हम हर बंदे को जाके थर्ड पार्टी इधर कर रहे हैं, और बहुत ही आला गेम जा रही है हमारी। अभी सिर्फ 4 लोग रहते हैं, और फिर इंशाल्लाह विन हमारी है। 1v1 सिचुएशन जब हो तो फिर नहीं कोई आया। ओ इस बंदे को बहुत बुरी लगी पड़ी, रश हो रहा है, क्रैक। मैंने उस बंदे की बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। किधर है गाइस? अब तो मैं पक्का डेड हूँ, उसको देखो कितना हाई है। भाई तू नीचे क्यों नहीं आ रहा? अब तो मैं गाइस पक्का डेड हूँ। ओहो तो गाइस अच्छा खेला हमने, बहुत अच्छा खेला हमने। तो यस गाइस, बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। प्ले टॉप 3 मुझे कैमर एयर ही थी गाइस, लेकिन फिर भी आई एम प्रीटी अमेज्ड बाय माय सेल्फ कि मैं टॉप 3 आ गया हैमर एयर के साथ, और मैंने कुछ 5-6 किल्स भी ले लिए हैं। 5-6 कितने 4 लिए बिल्कुल। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।